हेलो फ्रेंड्स, मैं नामिका मिश्रा एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम स्मॉल हैंडबैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्मॉल हैंडबैग स्टिच किया है। देखिए, इस साइड से हम इसको ओपन करेंगे और ये बैग देखिए पूरा ऐसे ओपन हो जाएगा। देखिए, इस साइड हमने टू पॉकेट्स दी हैं और इस साइड भी हमने टू ओपन पॉकेट्स दी हैं और एक हमारी ये बड़ी पॉकेट है। इस साइड अपना कोई भी सामान सेट करते हुए इसको जिप से यहाँ से लॉक कर दीजिए और इस हैंडल से हम इसको कैरी करेंगे। ये बैग देखिए साइड से कुछ इस शेप में है और इस साइड से भी देखिए कुछ इस शेप में है और बहुत ही यूज़फुल बैग है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस बैग की कटिंग में कुछ पीसेस हमारे बच गए थे तो उससे भी हमने एक पाउच स्टिच किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस बैग की कटिंग से कुछ पीसेस हमारे बच गए थे तो उससे हमने ये पाउच रेडी किया है। इसको हम ओपन करेंगे और इस साइड अपना कोई भी सामान इस पॉकेट में देखिए सेट करते हुए इसको जिप से लॉक कर दीजिए। ये पाउच भी हमारा देखिए काफ़ी यूज़फुल है। इसमें अपना मेकअप का सामान है, ज्वेलरी है, कुछ भी इसमें सेट करते हुए रख सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी हैंड बैग, ट्रेवल बैग या कोई भी बैग पसंद आ रहा हो तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके उस बैग को परचेज़ कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा हैंड बैग और ये पाउच पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम ये स्मॉल हैंड बैग विथ मल्टीपर्पज़ पाउच स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। स्मॉल हैंड बैग बनाने के लिए हमने 10x20 का टू क्विल्टेड पीस लिया है। फ्रेंड्स, इसमें हमने देखिए लाइनिंग, रबर शीट और मेन फैब्रिक को लेते हुए इसको क्विल्ट करके रेडी किया है और एक क्विल्टेड पीस को हमने देखिए शेप में कट किया है। इसे कैसे कट करना है अभी हम आपको बताएंगे। तो हमें 10x20 का टू क्विल्टेड पीस लेना है और ये हमने 20x20 का देखिए एक प्लेन पीस लिया है। 20x20 का हमें एक प्लेन पीस लेना है और ये हमने 8x9.5 का टू प्लेन पीस लिया है। 8x9.5 का हमें टू प्लेन पीस लेना है और ये हमने 8x10 का टू प्लेन पीस लिया है। 8x10 का हमें टू प्लेन पीस लेना है। ये हमने 23 इंच की एक जिप ली है और इसमें हमें सिंगल एना डालना है और ये हमने 20 इंच के टू हैंडल्स लिए हैं। 20 इंच के हमें टू हैंडल्स लेने हैं और ये हमने 1.5x2 का देखिए प्लेन पीस लिया है। ये हमने मेन फैब्रिक का लिया है फ्रेंड्स, तो 1.5x2 का हमें प्लेन पीस लेना है। सबसे पहले हम 10x20 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और इस क्विल्टेड पीस में हमने देखिए सेंटर का मार्क करके 2 इंच पे डाउन करके एक पैच यहाँ पर फ्लावर देखिए अटैच किया है। ये हमने ओल्ड कुर्ती से कट करके इसमें अटैच किया है और अब देखिए इसकी हम बैक साइड में आएंगे और इस साइड से हम यहाँ पर 5 इंच पे देखिए मार्क करेंगे। मार्क करते हुए इस साइड हम सीधे मार्क कर लेंगे 5 इंच पे। इस साइड हमने देखिए 5 इंच पे सीधे मार्क कर लिया है और अब देखिए इस साइड आएंगे और इस साइड भी हम 5 इंच पे ऐसे हम यहाँ पर इस मार्क वाली लाइन से मिलाते हुए सीधे मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने इस साइड भी 5 इंच पे मार्क कर लिया है और अब देखिए ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाते हुए यहाँ पर देखिए ऐसे सेट करेंगे और हम सीधे मार्क कर लेंगे इस साइड। ये हमने देखिए इस साइड सीधे मार्क कर लिया है और अब देखिए ऐसे ही इसकी दूसरी साइड में आएंगे। जिस साइड हमने देखिए ऐसे ये मार्क किया है इसी साइड हम यहाँ पर इस साइड भी मार्क करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर 5 इंच पे सीधे मार्क करेंगे। इस साइड भी हमने देखिए 5 इंच पे सीधे मार्क कर लिया है और इस साइड से हम 5 इंच पे फिर से डाउन करेंगे और मार्क कर लेंगे। ये हमने 5 इंच पे इस साइड से मार्क कर लिया है। देखिए फ्रेंड, इस साइड से हमने क्रॉस में यहाँ पर मार्क किया है, ऐसे ही इसकी इस साइड से हमें यहाँ पर ऐसे ही ऐसे क्रॉस में मार्क करना है। देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाते हुए हमें सीधे मार्क करना है। ये हमने देखिए सीधे मार्क कर लिया है और अब देखिए हम इसे कट करेंगे। फिर इस साइड से हम कट करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे हम यहाँ पर कट करेंगे और ऐसे ही इसकी दूसरी साइड से भी इसको हम क्विल्टेड पीस को देखिए कट कर लेंगे। इस क्विल्टेड पीस को हमने देखिए शेप में कट कर लिया है। फ्रेंड्स, ऐसे ही इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा क्विल्टेड पीस, इसी शेप में हमने देखिए इसको भी कट किया है और अब देखिए ये
क्विल्टेड पीस का राइट साइड है और ये क्विल्टेड पीस का राइट साइड है। दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे सेट करेंगे और इस साइड हम स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। दोनों क्विल्टेड पीस को हमने देखिए सीधे स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब देखिए इसको हम ऐसे फ्रंट साइड में करेंगे और इसको हम देखिए ऐसे सेट करेंगे, यहाँ पर ऐसे प्रेस करेंगे और सीधे स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। इस साइड हमने सीधे स्टिच करके इसमें दाब सिलाई दे दी है और अब देखिए हम 20x20 का ये प्लेन पीस लेंगे और इस प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और इसके ऊपर हम इस क्विल्टेड पीस को ऐसे सेट करते हुए पहले हम देखिए इसमें चौक से मार्क करेंगे, इसके बाद इस प्लेन पीस को इसी शेप में हम कट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए इसी शेप में कट कर लिया है, देखिए इसी शेप में हमने कट कर लिया है और अब देखिए हम ये क्विल्टेड पीस लेंगे और इस क्विल्टेड पीस को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम सेंटर का मार्क लगाएंगे। इस साइड हमने सेंटर का मार्क कर लिया है, सेंटर के मार्क से 3 इंच इस साइड से और 3 इंच इस साइड से दोनों साइड से हम मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से हमने 3 इंच में मार्क कर लिया है। अब देखिए जो मार्क किया है इस मार्क वाले पॉइंट से हम 2.5 इंच पे डाउन करेंगे, ये हमने डाउन किया और इस साइड से भी हम 2.5 इंच पे डाउन कर लेंगे, ये हमने 2.5 इंच पे डाउन किया। 24 इंच के ये दोनों हैंडल्स लेंगे और 1.5x2 का ये हम मेन फैब्रिक लेंगे, देखिए ये हम फैब्रिक लेंगे और इस फैब्रिक को हमें हैंडल में अटैच करना है। ये जो प्लेन पीस का राइट साइड है राइट साइड अंदर की साइड में ऐसे सेट करेंगे और इस साइड हम सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे और ऐसे ही इसकी दूसरी साइड में भी स्टिच करके अटैच कर देंगे और ये दोनों प्लेन पीस को भी हम यहाँ पर ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों हैंडल्स में हमने देखिए प्लेन पीस को स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब देखिए ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को ऐसे हम फ्रंट साइड में टर्न करेंगे और प्लेन पीस को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और स्टिच लाइन पे ऐसे हम सेट करेंगे और स्टिच करके इसमें हम अटैच कर देंगे। ऐसे ही सारे प्लेन पीस को हम हैंडल में स्टिच करके अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को देखिए फोल्ड करके स्टिच करके अटैच कर दिया है, देखिए दोनों साइड से हमने प्लेन पीस को लॉक कर दिया है और अब देखिए जो हमने फ्रेंड्स मार्क किया है मार्क वाले पॉइंट पे इस हैंडल को देखिए ऐसे रखेंगे, यहाँ पर जो 2.5 इंच डाउन किया है इस मार्क वाले पॉइंट पे हमें हैंडल को ऐसे सेट करना है, थोड़ा तिरछा रखना है हमें हैंडल को। आप चाहें तो ऐसे सीधे भी इसमें स्टिच करके अटैच कर सकती हैं बट हम ऐसे इसमें स्टिच करेंगे। इसको हम देखिए पहले पिनअप करेंगे और ऐसे इसके जो दूसरा साइड है इसको भी हम देखिए ऐसे थोड़ा सा तिरछा रखेंगे और इस साइड भी हम पिनअप कर लेंगे और अब देखिए हम यहाँ पर स्क्वायर शेप में इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके हैंडल को अटैच कर देंगे और ये जो दूसरा हैंडल है इसको भी हम पहले मार्क करेंगे, इसके बाद दोनों साइड से स्टिच करके दूसरे हैंडल को भी हम इसमें अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए हैंडल्स को स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब देखिए हम 23 इंच की ये जिप लेंगे और 1.5x2 का ये प्लेन पीस लेंगे और इस जिप को हमें दोनों साइड से लॉक करना है। देखिए ये जिप का राइट साइड है और ये प्लेन पीस का देखिए राइट साइड है, इसको राइट साइड हम ऐसे रखेंगे, ये रॉन्ग साइड है। बैक साइड में हम प्लेन पीस को ऐसे सेट करेंगे और सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे और ऐसे ही इसकी दूसरी प्लेन पीस को हम इसकी दूसरी साइड में, ये देखिए राइट साइड अंदर की साइड में होगा और बैक साइड में हम देखिए प्लेन पीस को ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे दोनों साइड से। दोनों साइड से हमने देखिए प्लेन पीस को स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब देखिए हम प्लेन पीस को फ्रंट साइड में लाएंगे और इसको हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार और ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच लाइन पे ऐसे सेट करेंगे और सीधे स्टिच करके साइड से हम इसको लॉक कर देंगे। ऐसे ही दूसरे प्लेन पीस को भी फोल्ड करके स्टिच करके लॉक कर देंगे। प्लेन पीस को देखिए फोल्ड करके स्टिच करके साइड से हमने लॉक कर दिया है, दोनों साइड से देखिए जिप लॉक हो गई है। अब हम जिप को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम ऐसे सेट करते हुए इसमें दोनों साइड से सेंटर का मार्क करेंगे। आप चाहे तो चौक से कर सकती हैं, हम देखिए हल्का सा यहाँ पर ऐसे कट लगा के सेंटर का मार्क करेंगे, ये हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए जिप को हम यहाँ पर सेट करेंगे। जो सेंटर का मार्क है इस मार्क को इस कट से देखिए ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे, पिन से हमने देखिए इसको सेट कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स पहले हम इस साइड यहाँ पर सीधे स्टिच करेंगे, इसके बाद ऐसे जिप को टर्न करते हुए स्टिच करके इस साइड से और ऐसे इसकी दूसरी साइड से स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए सेंटर के मार्क से पहले सीधे स्टिच किया, फिर इस साइड स्टिच करके दोनों साइड से देखिए अटैच कर दिया है
और अब देखिए जिप की दूसरी साइड वाले पार्ट को हमें यहाँ पर अटैच करना है। दूसरी साइड में देखिए ये सेंटर का मार्क है, सेंटर के मार्क को और सेंटर के मार्क को दोनों मार्क को मिलाते हुए पिनअप करेंगे और इस साइड भी हम पहले सीधे स्टिच करेंगे, इसके बाद ऐसे और ऐसे दोनों साइड से स्टिच करके इस साइड भी हम जिप को अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने देखिए जिप को स्टिच करके अटैच कर दिया है, शेप में पूरा स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब हमें 8x9.5 का ये प्लेन पीस लेना है और इस प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। ये प्लेन पीस का राइट साइड है और इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करके ऐसे हम प्रेस कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से एक साइड से हम यहाँ पर 2 इंच का ऐसे गैप छोड़ते हुए यहाँ से ऐसे स्टिच करेंगे, फिर इस पॉइंट से स्टिच करके ऐसे स्टिच करके इस प्लेन पीस को लॉक कर देंगे और ऐसे ही इस प्लेन पीस को भी फोल्ड करके स्टिच करके लॉक कर देंगे। 2 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने दोनों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को देखिए लॉक कर दिया है और अब देखिए इस साइड से हम इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे। दोनों प्लेन पीस को पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क लगाएंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर ऐसे हम चौक से मार्क कर लेंगे। ये देखिए ये सेंटर का मार्क है और ऐसे इस वाले पार्ट को भी फोल्ड करते हुए इसमें भी हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस प्लेन पीस पे भी हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए ये हम प्लेन पीस लेंगे जिसको हमने शेप में कट किया था। ये प्लेन पीस का राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, तो इस साइड से हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे राइट साइड की साइड में और इसमें भी हम सेंटर का मार्क करेंगे। इस साइड हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है और इस साइड से हम यहाँ पर 1 इंच पे डाउन करेंगे। इस साइड से हम यहाँ पर 1 इंच पे डाउन करते हुए यहाँ पर हम सीधे मार्क कर लेंगे। ये देखिए ये हमने 1 इंच पे डाउन करते हुए सीधे मार्क कर लिया है और इस प्लेन पीस को लेंगे और जिस साइड से हमने देखिए स्टिच किया है, जिस साइड से ये ओपन है, देखिए प्लेन पीस को अंदर की साइड में, ऊपर वाले पार्ट को अंदर की साइड में से सेट करते हुए हमें प्रेस करना है और ये वाला पार्ट इस साइड होगा, ओपन वाला जो पार्ट है वो इस साइड होगा और ये जो सेंटर का मार्क है और ये सेंटर का मार्क, दोनों सेंटर के मार्क को मिलाते हुए पहले हम पिनअप करेंगे। पिन से हमने देखिए प्लेन पीस को सेट कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स इस साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे स्टिच करेंगे और यहाँ पर सेंटर में हम डबल स्टिच करते हुए ऐसे स्टिच करके इस प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे और ऐसे ही इसके दूसरे पार्ट को हम दूसरी साइड में मार्क करके इसको भी सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए प्लेन पीस को स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए इस साइड से सेंटर में डबल स्टिच करते हुए ऐसे स्टिच करके दोनों साइड से अटैच करना है और यहाँ पर देखिए 2 पॉकेट्स इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से इसमें अटैच हो गए हैं। और अब देखिए ये हम उल्टेड पीस वाला पार्ट लेंगे और ये जो जिप है इसको हम ओपन कर लेंगे। हमने देखिए ओपन कर दिया जिप को और ये जो प्लेन पीस है, प्लेन पीस को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। देखिए ये जो राइट साइड है इस साइड ऊपर फुलटेड पीस की साइड में और ये जो सेंटर का मार्क है, सेंटर के कट से सेंटर के मार्क को देखिए मिलाते हुए पिनअप करेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स इस प्लेन पीस को भी हम यहाँ से ऐसे सीधे स्टिच करेंगे, फिर इस साइड से, फिर इस साइड से, दोनों साइड से, इस साइड से और ऐसे इसकी दूसरी साइड में भी प्लेन पीस को हम स्टिच करके अटैच करेंगे। तो पहले हम पिनअप कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड से हम प्लेन पीस को जिप में स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों साइड से प्लेन पीस को हमने देखिए जिप में स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए दोनों साइड से अटैच हो गया है प्लेन पीस और अब देखिए ये जो प्लेन पीस है इसको हम पलट कर राइट साइड कर देंगे। फुलटेड पीस को पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर दिया है और अब देखिए ये जो जिप वाला पार्ट है इसको, प्लेन पीस को देखिए बैक साइड में ऐसे प्रेस करते हुए हम यहाँ पर शेप में स्टिच करके इसमें इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हम स्टिच करके इसमें दाब सिलाई देते हैं। दोनों साइड से हमने देखिए इस साइड दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है। देखिए इस साइड से स्टिच करके रेडी कर लिया है और अब देखिए इसको हम ऐसे करेंगे और ये जो पार्ट दोनों हमने अटैच किया था ये इसमें सेंटर का मार्क है और इस साइड हम जिप वाले पार्ट को सेंटर के मार्क पर देखिए ऐसे सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे।
पिन से हमने देखिए इसको सेट कर दिया है। और अब देखिए दोनों पार्ट्स को, प्लेन पीस को और गोल्डेड पीस, दोनों पार्ट्स को लेते हुए इस साइड हम सीधे स्टिच करके लॉक कर देंगे। और ऐसे ही इस साइड भी हम यहाँ पर जिप वाले पार्ट को सेंटर वाले पार्ट पे ऐसे मिलाते हुए सेट करेंगे और इस साइड भी सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। दोनों साइड से हमें देखिए जिप वाले पार्ट को सीधे स्टिच करके क्वल्टेड पीस में देखिए अटैच कर दिया है इस साइड से, और इस साइड से भी देखिए अटैच कर दिया है। अब थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को दोनों साइड से हमने देखिए कट कर लिया है। 8x10 का ये दोनों प्लेन पीस लेना है, और ये प्लेन पीस का 8 का साइड है और ये 10 का साइड है। तो हम 8 की साइड में प्लेन पीस को ऐसे फोल्ड करेंगे। राइट साइड अंदर की साइड में होगा, ये प्लेन पीस का राइट साइड है, तो इसको हम देखिए ऐसे सेट करते हुए हम प्रेस कर लेंगे। और अब देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को लॉक कर देंगे, और ऐसे ही इस प्लेन पीस को भी फोल्ड करके दोनों साइड से स्टिच करके लॉक कर देंगे। दोनों प्लेन पीस को हमने देखिए ऐसे स्टिच करके लॉक कर दिया है। और अब देखिए इस साइड से हम इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे। दोनों प्लेन पीस को पलट कर राइट साइड कर लिया है, और अब देखिए इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। दोनों कॉर्नर्स को देखिए मिलाते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें ऐसे हम प्रेस कर लेंगे। और अब देखिए जिस साइड से ये लॉक है, देखिए एक साइड से ये ओपन है और एक साइड से लॉक है। जिस साइड से ये लॉक है प्लेन पीस, उस साइड से हम यहाँ पर देखिए सेंटर में हमें सेट करना है इसको, और इस साइड से हम देखिए 2 इंच भी मार्क करेंगे। ये हमने 2 इंच भी मार्क किया। अब इस पॉइंट से हम देखिए ऐसे हम यहाँ पर इस साइड से 1/2 इंच मार्क कर लेंगे। ये 1/2 इंच मार्क किया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर हम ऐसे सीधे मार्क कर लेंगे। और अब जो हमने मार्क किया है, मार्क वाले पॉइंट पर हम स्टिच करके इस साइड से इसको लॉक कर देंगे। ऐसे ही इस प्लेन पीस को भी फोल्ड करके स्टिच करके लॉक कर देंगे। दोनों प्लेन पीस को हमने देखिए मार्क करके वी शेप में स्टिच करके लॉक कर दिया है। देखिए दोनों पार्ट्स को हमें वी शेप में स्टिच करके लॉक करना है। और अब देखिए इस प्लेन पीस को ऐसे ओपन करेंगे, और जो हमने स्टिच किया है ये वाला पार्ट देखिए ऐसे अपर की साइड में होगा, और इसको इस स्टिच लाइन पे ऐसे रखेंगे। जो ओपन वाला पार्ट है इसको हम इसके ऊपर ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे इसका जो दूसरा पार्ट है इसको भी हम दूसरी साइड में ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों साइड से प्लेन पीस को देखिए सीधे स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब देखिए ये जो स्टिच लाइन है इसे हमें पाइपिंग से कवर करना है। ये हमने 1.5 इंच की पाइपिंग ली है, और पाइपिंग को हम इस साइड से यहाँ पर कॉर्नर पे ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे हम सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे। देखिए इस साइड से भी हमें फोल्ड करते हुए स्टिच करके अटैच करना है। इसके बाद डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके स्टिच लाइन को हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। और ऐसे इस साइड भी स्टिच करके हम स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे। दोनों साइड से हमें देखिए स्टिच करके स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है। देखिए दोनों साइड से ये प्लेन पीस अटैच हो गया है। और अब देखिए ये जो ओपन पार्ट है इसको हम देखिए ऐसे इस साइड सेट करेंगे, और यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। इस साइड हमें देखिए पिनअप कर लिया है। ऐसे ही इसकी दूसरी साइड को भी हम देखिए ऐसे सेट करेंगे। एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए, ये सीधा हमें स्टेट सेट करना है, और इसको यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। और अब हम देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को क्वल्टेड पीस में हम अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस प्लेन पीस को भी हम देखिए ऐसे सेट करते हुए दोनों साइड से स्टिच करके लॉक कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए प्लेन पीस को सीधे स्टिच करके अटैच कर दिया क्वल्टेड पीस में, इस साइड से और इस साइड से भी देखिए इसको और इसको यहाँ से अटैच कर दिया है। अब इसको हम पलट कर राइट साइड कर देंगे। क्वल्टेड पीस को पलट कर राइट साइड कर लिया है, और अब हमारा ये हैंड बैग बन के रेडी है। देखिए 2 इस साइड से और 2 इस साइड से, 4 हमारी ओपन पॉकेट है और 1 हमारी ये बड़ी पॉकेट है। इसको हम देखिए जिप से लॉक कर देंगे। ये बैग देखिए साइड से जो इसका शेप है बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका शेप, और इस हैंडल से देखिए इसको हम कैरी करेंगे। फ्रेंड्स, इस बैग की कटिंग में जो पीसेस बच गए थे उससे भी आज हम एक पाउच बनाएंगे। तो ये हम कटिंग वाले पीसेस लेते हैं, देखिए सारी कटिंग के पीसेस हैं। तो इसमें से इन दोनों पार्ट्स को पहले हम ऐसे फोल्ड करके इसमें सेंटर से इसको कट कर लेंगे।
दोनों कोल्डेड पीस को हमने देखिए सेंटर से कट कर लिया है। और अब देखिए हम 10.5 बाय 15.5 का ये प्लेन पीस लेंगे और इस प्लेन पीस में हम सारे कोल्डेड पीस को अटैच करेंगे। देखिए ये जो कट किया था कोल्डेड पीस, इसको ऐसे रखेंगे और इसमें से हम रेड वाला पार्ट लेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे और इसमें से एक पार्ट हम देखिए यहाँ पर सेट करेंगे और इसमें से रेड वाला पार्ट ऐसे रखेंगे। और अब देखिए इसको हम यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे इस वाले पार्ट को और इसको ऐसे सेट करेंगे। सारे पार्ट्स को हम प्लेन पीस पे देखिए ऐसे सेट करते हुए इसमें अटैच करेंगे। सारे पार्ट्स को हमने देखिए प्लेन पीस में सेट कर दिया है। अब प्लेन पीस में हम सारे पार्ट्स को स्टिच करके अटैच कर देंगे। सारे कोल्डेड पीस को हमने देखिए शेप में स्टिच करके प्लेन पीस पे देखिए अटैच कर दिया है। अब देखिए जो प्लेन पीस का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए कट कर लिया है और अब देखिए 10 इंच की ये जिप लेंगे और 10 बाय 15 का ये प्लेन पीस लेंगे और इस जिप को हम देखिए ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और प्लेन पीस जिप के ऊपर ऐसे रखते हुए हम सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। जिप को स्टिच करके हमने देखिए अटैच कर लिया है और इसमें हमने देखिए दाब सिलाई दे दी है। अब जिप की दूसरी साइड में इस कोल्डेड पीस को हम देखिए ऐसे टर्न करेंगे और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को ऐसे करते हुए हम जिप के ऊपर ऐसे सेट करेंगे। और अब देखिए दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके प्लेन पीस और कोल्डेड पीस को जिप की दूसरी साइड में देखिए अटैच कर दिया है। और अब देखिए हम जिप को ओपन कर लेंगे, हम ओपन कर लेंगे और प्लेन पीस को ऐसे टर्न कर लेंगे बैक साइड में। और इस साइड जिप वाले पार्ट को देखिए ऐसे सेट करेंगे और प्रेस कर लेंगे और सीधे स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लिया है। देखिए नीटली बैक साइड में ये प्लेन पीस अटैच हो गया है। और अब हम जिप में रनर डाल लेंगे, ये रनर लेंगे और जिप में हम रनर डाल लेंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है। अब देखिए रनर को ऐसे हम जिप से बाहर की साइड में करेंगे और एक बार और जिप को ओपन करते हुए इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब देखिए इस कोल्डेड पीस को हम पलट कर बैक साइड में कर लेंगे। कोल्डेड पीस को पलटकर हमने देखिए बैक साइड में कर लिया है। और अब देखिए ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस में एक साइड से हम यहाँ पर 3 इंच का देखिए गैप छोड़ते हुए ऐसे स्टिच करेंगे। इसके बाद ऐसे हम स्टिच कर लेंगे और ऐसे सीधे स्टिच करके दोनों साइड से हम प्लेन पीस और कोल्डेड पीस को लॉक कर देंगे। 3 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने देखिए इस साइड से और ऐसे इस साइड से स्टिच करके दोनों पार्ट्स को लॉक कर दिया है। और अब देखिए इस कोल्डेड पीस को ऐसे हम ओपन करेंगे, कॉर्नर को हमने देखिए ओपन कर लिया है। और अब देखिए ये जो कॉर्नर है कॉर्नर से 1/2 इंच पे हम इस साइड से स्टिच करके लॉक कर देंगे ऐसे इस साइड और ऐसे प्लेन पीस की साइड में 1/2 इंच पे देखिए सेट करते हुए कॉर्नर से हम लॉक कर देंगे। चारों कॉर्नर्स पे हमने देखिए 1/2 इंच पे सेट करते हुए स्टिच करके लॉक कर दिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए कॉर्नर से कट कर लिया है। अब देखिए जो ओपन पार्ट है इस साइड से हम इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे। इसको पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है। अब देखिए जो ओपन पार्ट है इसको हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे प्लेन पीस को और सीधे स्टिच करके साइड से हम लॉक कर देंगे। सीधे स्टिच करके साइड से हमने देखिए प्लेन पीस को लॉक कर दिया है। अब हम प्लेन पीस को पॉकेट के अंदर सेट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए पॉकेट के अंदर सेट कर लिया है और अब हमारा ये पाउच बन के रेडी हो गया है। देखिए अंदर की साइड में अपना मेकअप का सामान या कुछ भी इसमें सेट करते हुए जिप से इसको लॉक कर दीजिए। और ये हैंडबैग भी हमारा देखिए काफ़ी क्यूट लग रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको ये हैंडबैग विद मल्टीपर्पज़ पाउच पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।